नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण लोगों की, यानी कि आपके जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनकी जीवनी कह लीजिए, या उनके बारे में एक सामान्य परिचय, या फिर कह लीजिए कि बायोग्राफी। इसमें हम लोग आपके प्रधानमंत्रियों को देख चुके हैं, सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और हमारे जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, इनकी बायोग्राफी यानी कि इनके बारे में एक सामान्य परिचय देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जैसे गांधी जी हो गए, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर आपके राष्ट्रपतियों के बारे में हम लोगों ने शुरू की थी, और भी जो आपके चर्चा में व्यक्तित्व तो रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो बायोग्राफी यानी कि जीवनी के नाम से आपकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें केवल आपकी जीवनी ही जीवनी यानी कि सामान्य परिचय पड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद की जीवनी के बारे में, ये हमारे राष्ट्रपति हैं। तो पहले तो एक बात बता दें आपको, राष्ट्रपति का चुनाव, कई बच्चे पूछते हैं कि सर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एक सामान्य शब्द याद रखिए, राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि इनमें आपके राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, और जो आपके विधायक होते हैं यानी कि एमएलए, ये भी सम्मिलित होते हैं। और याद रखिए, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल वही जो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और इनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रणाली से होता है, ठीक है। और याद रखिए, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी कि कार्यकाल कितना है, 5 साल तक रहते हैं। तो पहले हमारे राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जान चुके हैं, फिर थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उनके बाद हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में जाना था, उसके बाद आपके बीवी गिरी साहब के बारे में जाना था। आज बात करने वाले हैं किनके, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में। देखिए, ये है इनकी प्रोफाइल, ये हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो इनका एक सामान्य जीवन देखते हैं, जन्म और परिवार। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। फखरुद्दीन साहब का जन्म कब हुआ, 13 मई 1905 को, कहाँ, पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में। इनके पिता का नाम कर्नल जल नूर अली अहमद था, और माँ इनकी लोहारी नवाब की बेटी थी, और इनके जो दादाजी थे इनके नाम था खलीलुद्दीन अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद के दादा गोलाघाट शहर के निकट कादारी घाट के निवासी थे, जो असम के शिवसागर में स्थित था। इनके दादा का निकाह उस परिवार में हुआ था जिसने औरंगजेब द्वारा असम विजय के बाद औरंगजेब के प्रतिनिधित्व के रूप में असम पर शासन किया था। फखरुद्दीन अली अहमद के पिता तब अंग्रेज सेना में इंडियन मेडिकल सर्विसेज के तहत कर्नल के पद पर थे। इन्हें एक घटना के कारण असम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक दिन फखरुद्दीन अली अहमद के पिता जो कर्नल जलनूर अली अपने साथियों तथा कर्नल सिब्रान बोरा के साथ शिलांग क्लब के एक समारोह में यूरोपियन अतिथियों से अलग स्थान पर बैठे हुए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोपीय हम लोगों से बहुत भेदभाव करते थे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि समारोह में यूरोपियन अतिथियों से अलग बैठे हुए थे, मतलब उन अतिथियों के लिए अलग व्यवस्था थी, इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। तभी दो असमी कर्नलों ने समारोह का यह कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि उन्हें समारोह में पृथक रखा गया है। अब आप ही सोचिए, इस समय अगर आपको कहीं पार्टी चल रही हो और आपको अलग रख दिया जाए उस पार्टी से, एक पार्टी में बड़े बड़े लोगों को रख दिया जाए और एक में अलग आपको रख दिया जाए, आप उस पार्टी का बहिष्कार कर देंगे, निकल जाएंगे ना। तो ये भी इन्होंने की, इससे समारोह में व्यवधान पड़ा और कुछ कुलित कुपित यूरोपीय अधिकारियों ने कर्नल जलनूर अली अहमद का स्थानांतरण उत्तर पश्चिमी इलाके में कर दिया। स्थानांतरण के बाद जलनूर अली अहमद को लोहारी के नवाब के करीब
आने का मौका प्राप्त हुआ जब यह दिल्ली में थी। उस परिचय की बात नवाब नवाब जियाउद्दीन अहमद के साथ कर्नल जल नूर अली अहमद की निकटता बढ़ी। फिर 1905 में इनका कहा है नवाब साहब की पोती के साथ पढ़ दिया गया। लोहारू स्टेट के नवाब की पुत्री के साथ निकाह होना बेहद सम्मान की बात थी। इनकी की बेगम का नाम रुकेया था। फखरुद्दीन अली अहमद इनके ही पुत्र थे। इनकी माँ का क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद साहब की, जो हमारे राष्ट्रपति थे, रुकेया। फखरुद्दीन अली अहमद के 4 भाई और 5 बहनें थीं। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थी। तो यहाँ आपको याद रखना है इनका जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? कर्नल जनूर अली अहमद। और इनकी माता का नाम रुकेया। ठीक। और ये अपने माता पिता की 5वीं संतान थी, 4वीं संतान थी। ठीक है। इनमें 4 इनके भाई थे और 5 इनकी बहनें थी। अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन, यानी कि इनके विद्यार्थी जीवन के बारे में बात करते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ने न केवल एक नामी मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे, बल्कि इनके परिवार में बेहद संपन्नता और शिक्षा के प्रति अच्छी जागृति भी थी। इनकी आरंभिक जो शिक्षा थी उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरकारी हाई स्कूल में संपन्न हुई। यानी कि आपके जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनकी उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरकारी स्कूल में संपन्न हुई। लेकिन 1918 में पिता का स्थानांतर दिल्ली हो गया, तब यह भी दिल्ली आ गए। उस समय वह 7वीं कक्षा में थी। 1921 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद प्रसिद्ध स्टीफन कॉलेज में दाखिल हुए। कुछ समय पश्चात उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत इनका दाखिला सेंट कैथरीन कॉलेज में हो गया। 1927 में फखरुद्दीन अली अहमद स्नातक की शिक्षा तथा 1928 में विधि की शिक्षा संपन्न कर ली। विधि की डिग्री लेने के बाद वह भारत लौट आए और पंजाब हाईकोर्ट में वकील के तौर पर नामांकित हुए। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आपकी फखरुद्दीन अली अहमद साहब के व्यवसाय। फखरुद्दीन अली अहमद अपने पिता के मित्र मोहम्मद सफी, जो पेशे से एक एडवोकेट थे, उनके सहयोग में आकर एक सहयोगी रूप में विधि व्यवसाय करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद पिता की प्रेरणा से फखरुद्दीन अली अहमद अली असम चले गए, जहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने गृह राज्य के गुवाहाटी हाईकोर्ट में विधि व्यवसाय आरंभ किया। असम के इनके परदाता कहाँ के थे? असम के। ये वहीं अपने पुराने गृह में चले गए। इन्होंने अपने राजगृह में गुवाहाटी हाईकोर्ट में विधि आरंभ किया। कुछ समय बाद इन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। यह उच्चतम न्यायालय में बतौर वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में कार्य करने लगे। फखरुद्दीन अली के पिता कर्नल जलनूर अली अहमद एक राष्ट्रवादी शख्स थे, लेकिन स्वयं फखरुद्दीन अली ने उनके एक कदम आगे रहते हुए 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्राप्त कर ली थी। ये आपकी वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। इन्होंने 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्राप्त कर ली।
1937 में यह असम लेजिस्लेटिव असेंबली में सुरक्षित मुस्लिम सीट से निर्वाचित हुए, लेकिन तब वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली में पहुंचे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर स्वयं को नामांकित किया था। यह पहले जवाहरलाल नेहरू के नजदीक आए। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस में इनकी अंतरंगता बढ़ गई, यानी कि निकटता बढ़ गई। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कांग्रेस की कार्य समिति का सदस्य बनाया। 1964 से 1974 तक यह कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड में रहे। 1938 में जब गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में असम में कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनी, तो फखरुद्दीन अली अहमद को वित्त एवं राजस्व मंत्रालय का कारोबार सौंपा गया। वित्त और राज्य विभाग का दायित्व संभालते हुए इन्होंने विशिष्ट और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की तथा राज्य की वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार किया। 15 नवंबर 1939 को मुख्यमंत्री गोपीनाथ ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया। इस कारण वित्त एवं राजस्व मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल काफी संक्षिप्त रहा। जब राज्यपाल को अपना मुख्यमंत्री ने ही त्यागपत्र दे दिया तो सभी मंत्री हट जाते हैं उस समय। ठीक है, बात करते हैं जेल यात्रा। महात्मा गांधी का नेतृत्व में जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो फखरुद्दीन अली अहमद ने भी उसमें भाग लिया। इस कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें 13 अप्रैल 1940 को गिरफ्तार करके एक वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। रिहा होने के कुछ समय पश्चात इन्हें सुरक्षा कारणों से पुनः गिरफ्तार कर लिया। इस बार इन्हें अप्रैल 1945 तक 3.5 वर्ष तक जेल भुगतनी पड़ी। आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब को। अब बात करते हैं दंपत्य जीवन, यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद ने विवाह का निर्णय काफी समय बाद लिया। उन्होंने 9 नवंबर 1945 को 40 वर्ष की उम्र में अलविदा हैदर के साथ निकाह किया। अबीदा हैदर के वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान हैदर जोश था। यह अंग्रेजी हुकूमत की सिविल सर्विस में थे। बेगम अबीदा का जन्म हरदोई उत्तर प्रदेश में 17 जुलाई 1923 को हुआ। निकाह के समय इनकी आयु 22 वर्ष की थी, पर इनके सोहर इनसे कितने 18 वर्ष बड़े थे। इन्होंने अपनी जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब से इन्होंने शादी की अपनी 40 साल में। कितने साल छोटी लड़की थी? 18 वर्ष 22 वर्ष की बेगम अबीदा। फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी अबीदा बेगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि की थी। देर से विवाह होने के बावजूद इनका दंपत्य जीवन सफल रहा और इन्हें 3 संतानों की प्राप्ति हुई। प्रथम संतान के रूप में इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम परवेज अहमद खर रखा गया। दूसरी संतान पुत्री थी, जिसका नाम समीना रखा गया। और सबसे छोटी संतान के रूप में पुत्र का नाम दुरेज अहमद रखा गया। फखरुद्दीन अली अहमद की सरीके हयात अबीदा बेगम सुलझे विचारों वाली एक शिक्षित महिला थी और फाइन आर्ट में इनकी काफी रुचि थी। वह सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उत्साह से भाग लेती थी। अबीदा बेगम ने इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के टिकट पर बरेली उत्तर प्रदेश की सीट से लोकसभा का उपचुनाव जीता था। उपचुनाव तब होता है किसी कारण रद्द हो जाता है चुनाव, या फिर कोई उस सीट पर जीतता है उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी कारण से वो अपनी सीट से छोड़ देता है, तो उसके बाद आपका उपचुनाव होता है। तो इस उपचुनाव में आपकी जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब की पत्नी थी उन्होंने
उत्तर प्रदेश की जो बरेली लोकसभा सीट थी वहां से चुनाव जीता। जून 1981 में सांसद निर्वाचित हुए। लोकसभा सदस्य के रूप में इन्होंने बरेली की जनता में अपनी विशिष्ट साख बनाई। इस कारण बरेली की ही संसदीय सीट से यह 1984 में पुनः लोकसभा में पहुंची। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। फखरुद्दीन अली अहमद साहब के 11 फरवरी 1946 को गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में असम में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस बार के चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद हार गए। परंतु कांग्रेस के अनुरोध पर उन्होंने असम के एडवोकेट जनरल का पदभार संभाला। 1952 तक इस पद पर बने रहे। 1952 में ने राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई और संसद में पहुंच गए। 1955 में वह भारतीय वकीलों के शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए सोवियत संघ भी गए, जिसे आप रूस कहते हैं, इसे पहले आप लोग सोवियत संघ कहते थे 1991 से पहले। 1957 में इन्होंने यूएनओ में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद असम विधान सभा में निर्वाचित हुए। उन्होंने असम राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां दी। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने वित्त, कानून और पंचायती विभागों को संभाला। 1962 में यह पुनः असम विधानसभा में पहुंचे। उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान भी प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय स्वायत्त सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 1964 में यह सोवियत संघ के निमंत्रण पर मॉस्को गए। वापसी में इन्होंने जापान और हांगकांग की यात्रा भी की। 1965 में वह मलेशिया के स्वाधीनता समारोह में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। आपके अली फखरुद्दीन अली अहमद साहब मंत्रिमंडल। फखरुद्दीन अली अहमद श्रीमती इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी थी। 29 जनवरी 1966 को इन्हें संघीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शामिल कर लिया। इन्हें सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार कैबिनेट मंत्री के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व में इजाफा हुआ और असम राज्य का कोई व्यक्ति पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने में सफल रहा। ठीक है, यद्यपि राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर यह पंडित नेहरू के समय में ही आ गए थे, लेकिन उस समय यह सांसद नहीं थे और असम विधानसभा के प्रतिनिधि ही थे। जब इन्हें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया तो वह यह आवश्यक था कि इन्हें अगले 6 माह में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता दिलाई जाए। अतः 8 अप्रैल 1966 में यह राज्यसभा में पहुंची। क्या होता है कि जब आपने देखा होगा मनमोहन सिंह हो आपके, इनके लिए क्या होता है कि जब डायरेक्ट लोकसभा में ना चुने जाए, चुने गए थे, ठीक है, तो इन्हें राज्यसभा से भेज देते हैं। और आपका कोई भी व्यक्ति, आप भी, यहाँ तक कि आप भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर कोई भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है कि या तो आपको राज्यसभा से या फिर लोकसभा से निर्वाचित होना जरूरी होता है। 6 महीने तक कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी सदन के सदस्य हैं या नहीं, लेकिन 6 महीने जैसे ही होंगे आपको सदस्य 6 महीने के भीतर बनना हुआ। तो क्या कहते हैं कि जो हार जाते हैं, आपने देखा होगा पिछली बार आपकी स्मृति ईरानी साहब हार गई थी, राहुल गांधी के आगे हार गई थी, ठीक है, तो उन्हें मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट में शामिल किया गया था क्योंकि उन्हें राज्यसभा से भेजकर। तो यही होता है जो मेन नेता होता है, जो लीडर होता है, अगर वो हार जाता है फिर भी उसे मंत्री में शामिल कर लिया जाता है मंत्रिमंडल में, और क्या करते हैं उनकी जगह राज्यसभा में उन्हें चुना जाता है लोकसभा की जगह, ठीक है। इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में भी 14 नवंबर 1966 से 12 मार्च 1967 तक कार्य किया। फखरुद्दीन अली अहमद ने असम राज्य की बार पेटा संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजय हुए। 1967 में सफलता के बाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शरीक करते हुए औद्योगिक विकास और कंपनी मामलों का मंत्रालय सौंपा गया।
27 जून 1970 को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किया गया तो उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला। 1971 में लोकसभा चुनाव में यह पुनः बारपेटा की सीट से निर्वाचित हुए। 3 जुलाई 1974 तक खाद्य कृषि मंत्री के रूप में इनकी सेवाएं जारी रही। अब बात करते हैं हम लोग विदेशी यात्राओं की। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने कौन कौन सी विदेशी यात्राएं की? फखरुद्दीन अली अहमद ने यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर रहते हुए पश्चिम जर्मन, इंग्लैंड, हंगरी, बुल्गारिया, इटली, सोवियत संघ, फ्रांस, ईरान और श्रीलंका की यात्राएं की। मोरक्को में जब इस्लामिक सम्मेलन हुआ तो यह भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुई। 1971 में वह भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर अरब अमीरात गए, संयुक्त अरब अमीरात गए, ताकि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही के संबंध में भारत का पक्ष विस्तृत कर सकें। केंद्रीय मंत्री रहते हुए वह वक्फ समिति यानी वक्फ बोर्ड के सभापति बने रहे। 1966 में जब गालिब पुण्यतिथि शताब्दी समारोह दिल्ली में मनाया गया तो फखरुद्दीन अली अहमद ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को समारोह समिति का सचिव बनाया। इनके सहयोग से गालिब कॉम्प्लेक्स तथा गालिब म्यूजियम और शोध पुस्तकालय की स्थापना इरविन हॉस्पिटल के निकट की। अगस्त 1973 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गालिब ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त मिर्जा गालिब की स्मृति में एक स्वायत्त शासी न्यास की भी स्थापना की गई। अब बात करते हैं हम लोग इनके राष्ट्रपति पद की। कब से कब तक ये राष्ट्रपति रहे, क्या क्या हुआ? 3 जुलाई 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद ने केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस पार्टी इन्हें अगले राष्ट्रपति के चुनाव हेतु अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी। उस समय कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी और उसके प्रस्तावित उम्मीदवार का राष्ट्रपति बनना तय था। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम 20 अगस्त 1974 को घोषित हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इन्हें विजय प्राप्त हुई। तब इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार त्रिदीप चौधरी थे, जिन्हें विपक्ष की 8 पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाया था। फखरुद्दीन अली को डाले गए वोटों का 80% मिला, यानी कि इनके प्रतिद्वंदी को त्रिदीप चौधरी को मात्र 20% ही वोट मिले। इस चुनाव में पुनः साबित हुआ कि भारत की धर्म निरपेक्षता सर्वोपरि है। इस प्रकार एक काजी के पोते ने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। इनका राष्ट्रपति निर्वाचित होना विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जीत थी। इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना और मुस्लिम वर्ग में बढ़ता असंतोष कम हुआ। राष्ट्रपति नियुक्त होने के समय या लोकसभा के सदस्य भी थे, अतः इन्होंने 21 अगस्त 1974 को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। क्या होता है कि जब राष्ट्रपति आप बनते हैं तो आपको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभदायक पद पर भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए, इनसे पहले आपके जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और जो आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं, ये आपके दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही रहते हुए हुई थी। पहले आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे जिनकी मृत्यु इनके पद पर रहते हुए हुई थी, याद रखना। वो भी मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम। आगे बात करते हैं, 24 अगस्त 1974 को सुबह 9 बजे फखरुद्दीन अली ने भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री एन ए एन रे ने इन्हें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इनके साथियों की उपस्थिति में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण कराई। 31 तोपों की सलामी के मध्य इन्होंने राष्ट्रपति पद का
कार्यभार संभाला, यानी कि जो आपके राष्ट्रपति हैं ये इन्हें शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 1975 में सऊदी अरबिया के तत्कालीन राजा फैसल के निधन में और फखरुद्दीन अली अहमद भारत सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। यह भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के साथ उपस्थित हुए एकमात्र राष्ट्र अध्यक्ष थे। बाकी राष्ट्र अध्यक्ष मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि के रूप में इस मौके पर उपस्थित हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह हंगरी और यूगोस्लाविया की सरकारी यात्रा पर भी गए। फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में उर्दू को उचित सम्मान दिलाने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य किया, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भाषा राष्ट्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा विचलित भाषा नहीं बनाई जा सकती, जबकि वह भाषा आम लोगों में विचलित ना हो अथवा आम लोगों के संस्कारों में ना हो। उस समय भाषा को लेकर जो आंदोलन किए जा रहे थे उनके संबंध में फखरुद्दीन अली अहमद ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि भारत को जबरन थोपना नहीं होगा। उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर मुस्लिमों को भी सावधान किया कि मात्र उर्दू ही मुस्लिमों की भाषा नहीं है, किसी भी धर्म की कोई एक ही भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फखरुद्दीन अली ने मुस्लिमों को संदेश दिया कि समस्त दुनिया में मुस्लिमों की अलग अलग भाषाएं हैं, और इन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि ईरान के लोग पर्शियन बोलते हैं, तुर्की नागरिक टर्किश भाषा बोलते हैं, इंडोनेशिया के मुस्लिम इंडोनेशियाई भाषा बोलते हैं, पंजाब में मुसलमान पंजाबी भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में मुस्लिम मराठी भाषा बोलते हैं। वह व्यक्तिगत जीवन में स्वयं भी समस्त भाषाओं का सम्मान करते हैं। इनका व्यक्तित्व हिंदुस्तानी संस्कृति का मिला जुला रूप था। इंदिरा गांधी के करीब है, जैसा कि आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के समय ये कैबिनेट में शामिल भी हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ फखरुद्दीन अली अहमद सदैव आत्मीय और पारिवारिक संबंध रहे। दोनों एक दूसरे का हृदय से सम्मान करती थी। मंत्री से राष्ट्रपति बनने तक की सफर में इन संबंधों में विश्वास और स्नेह बना रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के पारिवारिक समारोह में भी वह सिकरत यानी कि आया जाया करते थे। इस प्रकार फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार में जन्म मरण वरण संबंधी अवसरों पर श्रीमती गांधी एक आत्मीय जन की भांति उपस्थित रहती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जन्मदिन समारोह में भाग लेने जाते थे। इंदिरा गांधी ने घर लाकर ईद के त्योहार की बधाई दी थी। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म पर वह अपनी बेगम के साथ इंदिरा गांधी के आवास पर बधाई देने जाते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने इस क्रम में कोई व्यतिक्रम नहीं किया, यानी कि कोई ऐसा इनका बधाई देने जाने से नहीं रुके। ठीक है, इनका व्यक्तित्व की बात करें हम लोग, फखरुद्दीन अली अहमद आचार विचार संस्कारों से बहुत आदर्शवादी इंसान थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में भी कभी भी धूमपान नहीं किया, ना ही नवाबी संस्कृति के प्रति पान का रसा स्वादन किया। अच्छे वस्त्रों के प्रति यह तब भी उत्साही रहे जब स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने खादी को अपना लिया। इस समय तक यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो विभिन्न अवसरों पर पश्चिमी सभ्यता वाले परिधान धारण करते थे। 1975 में जब वह सूडान तथा इजिप्ट की राजकीय यात्रा पर गए तो उन्होंने यूरोपीय परिधान धारण किए थे। वह प्रातःकालीन भ्रमण करते तथा गोल्फ खेलते समय फ्रैट टी शर्ट और पैंट पहनते थे। खेल में रुचि, फखरुद्दीन साहब की को बचपन से ही खेल में काफी रुचि थी। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर उन्होंने हॉकी तथा फुटबॉल के प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा इन्हें टेनिस, गोल्फ की और शिकार की भी रुचि थी। ये असम फुटबॉल संघ और असम क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष रहे। फखरुद्दीन अली अहमद असम स्पोर्ट्स काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे और एशियन लॉन टेनिस के संघ के साथ इनका संबंध बाद में भी बना रहा। कालांतर में इनकी रुचि ब्रिज खेल में भी पैदा हुई। जिस तरह आदमी का जीवन शुरू होता है उसी तरह अंतिम भी होता है। तो हम लोगों ने इनका जीवन शुरू देखा था,
इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं रही उनके बारे में भी जान लिया हम लोग ने। अब चलते हैं कि अंतिम समय पर यानी कि अंतिम सफर पर। 6 फरवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद मलेशिया फिलीपींस और बर्मा यानी कि अभी जिसे हम लोग म्यांमार बोलते हैं उसे बर्मा बोला जाता है की राजकीय यात्रा पर गए। लेकिन इंडोनेशिया पहुंचने के बाद यह खराब स्वास्थ्य के कारण बर्मा और फिलीपींस की यात्राएं स्थगित करके यानी कि रोक के 10 फरवरी 1977 को भारत लौट आए और 11 फरवरी 1977 की सुबह बाथरूम में हृदयाघात का दौरा पड़ने के कारण वह फर्श पर गिर पड़े। फिर प्रातः 8:52 पर इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के समय दो छोटी बहनें और पत्नी अविदा बेगम ही इनके निकट थी। भाई पुत्र बेटी तथा अन्य लोग तब देश के बाहर थे लेकिन इनकी मृत्यु के बाद वे भारत पुनः पहुंचे। अंतिम संस्कार की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद के दफनाए जाने के स्थान की विधवस्था में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इन्हें संसद मार्ग पर स्थित ग्रीन डोम्ड जामा मस्जिद में राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाया गया। 13 फरवरी 1977 को शाम 4:30 इनका पूर्ण मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस स्थान पर फखरुद्दीन अली नमाज अदा करने भी आते थे। यहाँ से इनकी रूहानी लगाव भी थी। ऐसे वो भी था इनका निधन 11 फरवरी 1977 को शुक्रवार के दिन ही हुआ था। इनके अंतिम संस्कार में कई विदेशी हस्तियों ने स्वीकृत की थी जिनमें आपके जिमी कार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति की माता लिलियन कार्टर और पुत्र चिप कार्टर भी थे। भारत सरकार ने फखरुद्दीन अली अहमद के निधन की अधिसूचना काली पट्टी वाले गजट में प्रकाशित की थी। इस प्रकार एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व कांत हुआ जो 40 वर्ष में से देश सेवा के कार्य में समर्पित थे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जाकिर हुसैन के साथ फखरुद्दीन अली अहमद की गहरी मित्रता थी। दोनों ही भारत के राष्ट्रपति पद पर पहुंचे और सहयोग की बात है कि दोनों की मृत्यु राष्ट्रपति भवन के स्नान गृह में फिसलने के बाद हुई और दोनों की मृत्यु का कारण हृदयघात था और दोनों अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी निधन हो गए। समझ में आया? और दोनों मुस्लिम थे। ठीक है, अब हम लोग सम्मान की बात करें, इन्हें जो सम्मान मिले हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की स्मृति को शाश्वत रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इनके चित्र से युक्त डाक टिकट भी जारी किया। बेशक इंसान सदैव के लिए संसार में नहीं रहता और एक दिन उसे शरीर त्यागना ही होता है, तथापि फखरुद्दीन अली अहमद जैसे राष्ट्रभक्त कभी भी विस्मत नहीं किए जा सकते, यानी कि इन्हें नहीं बुलाया जा सकता। इनका नाम भारत के सच्चे सबूतों के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष नीति की ज्वलंत और अनुकरणीय व्यक्तित्व के कारण भी हमेशा याद रहेंगे। तो ये सफर था आपका फखरुद्दीन अली अहमद साहब का। आगे हम लोग बात करेंगे आपके नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इनका, तो इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में ये हमारे अगले राष्ट्रपति हैं इनके, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बाद। ठीक है,